दूसरी, हमेशा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुआ करते थे तो नमाज से और सब्र से काम लेते थे। मैं ही अपने लिए बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं कब उनके जूते में उतर के उनकी पेन भी नहीं मैं फील कर सकता। अपने बहन भाइयों के बच्चों की, कोई किसी के बच्चे मर रहे हैं, किसी के माँ बाप उनकी आंखों के सामने खत्म हो गए। हमारे अब कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आज इंटरनेट बंद हो जाए, बैंकिंग बंद हो जाए, लाइट चली गई, यू सी। हाँ यार, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मेरे बहन भाइयों को क्या फील होता होगा इस टाइम पे। और मैंने एकदम रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि यू सी कितना अंधेरा हो गया, सन्नाटा है लाइफ में इस वक्त। कहाँ से लाइट ऐड करूँ यहाँ से? लाइट ही तो ऐड करने की कोशिश करें जस्ट बी विद मी। आप अंदाज़ा करें, दिस इज़ द बिगेस्ट स्लैप ऑफ हिस्ट्री ऑन द फेस ऑफ मुस्लिम्स, कि हम पता नहीं किन फिरकों में पड़े हुए हैं, हम पता नहीं किन किन चीज़ों के अंदर पड़े हुए हैं कि वी आर सो बैकवर्ड इन टेक्नोलॉजी, कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मोबाइल है, ये जो कैमरा है, ये जो माइक्रोफोन है, ये जो लाइट है, एवरीथिंग, इसमें से कुछ भी हमने नहीं बनाया हुआ। कि नाउ देयर आर टू कैरेक्टर्स, आई एंड पी, तो आई टेल यू दोज लाइन्स कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ और मैं उस चीज़ को किस तरह टैकल कर रहा हूँ। अगर आप रिलेट कर सकते हैं उस तरह, तो विच इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वेरी डेंजरस, वेरी इनजस्टिस। जी सर, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, बेहतरीन है, गुड, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया के हालात, स्पेसिफिक एक खत्ते के हालात बहुत बुरे हैं। सो द मेन क्वेश्चन इज फॉर अस ऑल मुस्लिम उम्मा, कि हमको क्या करना चाहिए। बहुत बात हो रही है इस टॉपिक पे, क्योंकि ये बात होनी बहुत लाजमी है। अगर ये जो टेस्टर्स दुनिया में आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनसे हम इम्यून हो जाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है, जैसे एक दवाई की आदत पड़ती है, और हम कोई एक्शन की तरफ नहीं जाते, तो फिर देर इज़ नो पॉइंट ऑफ अस टू सर्वाइव ऑन द फेस ऑफ अर्थ बीइंग अ मुस्लिम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो एक तो ये चीज़ है कि चंद एक बातें मैं करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक पे। मैंने ना कोई आपको लेक्चर देना है ना कुछ और है, द मेन आइडियोलॉजी इज़ वट आई हैव बीन थ्रू, और जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में जिस तरह के जज्बात रखे जा रहे हैं, और स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई टेल यू दोज लाइन्स कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ और मैं उस चीज़ को किस तरह टैकल कर रहा हूँ। अगर आप रिलेट कर सकते हैं उस तरह, तो दैट विल बी गुड फॉर यू एज वेल, और मुझे खुशी होगी कि चलें हमने एक प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ शेयर किया। कि नाउ देयर आर टू कैरेक्टर्स, आई एंड पी। आपको पता है कि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑनलाइन, इस पर भी मैंने बात करनी है कि वाई देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस ऑनलाइन, जिसकी वजह से आई डोंट वॉन्ट कि मेरा जो पैगाम है वो लिमिट हो जाए आर्टिफिशियली। सो वील कीप आवर कन्वर्सेशन विद पी एंड आई। उसको हम चीज़ों में कुछ में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले द विच इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वेरी डेंजरस, वेरी इनजस्टिस, और आई जो है उसने तो अखीर कर दी, और इन्होंने आज की नहीं अखीर की हुई है, इन्होंने सदियों से ही, जब से ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये धुतकारे भी गए हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी कुरान पूरी स्टोरी से भरा हुआ है बनी इसराइल की। अब बहुत सारी बातें होती हैं कि जी पी की बहुत सारी गलतियां हैं, फॉर लैंड सेलिंग एंड स्टफ लाइक दैट, होंगी, बिल्कुल होंगी, बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि इस वक्त मेरे अपने घर में आग लगी हुई है, एंड द पी वंस दे आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दूसरी साइड के ऊपर भी जो आम सिविलियन आई साइड पे, आई की साइड के ऊपर जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, कंडेम, आम बंदे को, आम बच्चे को, बूढ़े को, बुजुर्ग को, फसल को, बिल्डिंग्स को, इन सारी चीज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है दौराने जंग, जो भी आपकी वॉर चल रही हो। सो मैंने कोई यार स्क्रिप्ट ऑनेस्टली नहीं लिखा इस चीज़ का, यूजुअली आई वर्क ऑन द स्क्रिप्ट बिफोर आई टॉकिंग, लेकिन आई वॉन्ट दिस टू कम स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। एक तो ये जो हो रहा है बहुत ज़्यादा जुल्म है, बहुत ही ज़्यादा जुल्म है, इंसानियत के साथ बहुत जुल्म है, और इस वक्त पी के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं सारे सिनेरियोज को लेकर, क्योंकि इट इज़ द बैटल बिटवीन
power and less powerful people on the face of earth, I would say. Being a Muslim, I'm saying a very shame, I'm feeling shame about it. लेकिन देखें, कई लोग कहते हैं कि हम जाके फिजिकली उनकी हेल्प करना चाहते हैं, सबके जज्बात सर आंखों पे, मेरा खुद दिल करता है, सारी चीज़ें होता है। फिर मैंने ना एक दिन रियलाइज़ किया इस चीज़ को, मैंने कहा चंदा ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू गो एंड आई वॉन्ट टू स्टैंड विद पी, नहीं ये ऐसी ड्रामेबाजी है। मैंने फिर रियलाइज़ किया, मैंने कहा यार ये चार दिन होता है मैं ये बात करता हूँ, मेरे जज्बात इस चीज़ को पुश करते हैं कि मैं ये बात करूं, और उसके बाद फिर ये मैं भी भूल जाता हूं, मैं सारी चीज़ों में लग जाता हूं। तो इस दफ़ा मैंने ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अपनाया, मैंने कहा यार क्या क्या अगर मैं जाता हूं सपोज़ पी की हेल्प के लिए या पी को आई जस्ट वांट टू स्टैंड विद देम व्हाट आई कैन डू, तो मैंने कहा सारे प्रोसेस में तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। मैंने रियलाइज़ किया ना, मैंने कहा यार अगर मुझे इस चीज़ से तकलीफ होती है ये सारे प्रोसेस में, आई नीड टू लीव माई फैमिली माई जॉब एंड एवरी थिंग, तकलीफ है तो मजाक थोड़ी है, ये चीज़ें जो एक रनिंग सिस्टम चल रहा है, लेट्स आई विल बी वेरी ओपन। मैंने कहा चलो जी ठीक है, ये भी देख लेते हैं करके कि इसका क्या ऐसा डूएबल ऑल्टरनेट है जिससे मुझे तकलीफ पहुँचे। बड़ा सोचा एक दो दिन के बाद आई केम टू द पॉइंट कि भाई ठीक है, अब अगर आपने उन तक फूड पहुँचानी है, पानी पहुँचाना है, शेल्टर पहुँचाना है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए छोटी सी अमाउंट मैं देता हूँ कि जी किसी भी एक लोकल इदारे को देता हूँ जो दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट पार्ट, ठीक है जी दैट्स फाइन दैट्स इट। नहीं, मैंने कहा मैंने अपनी जो अमाउंट है ना जो मैं उनके खाने पीने के लिए करना चाह रहा हूँ या उनके शेल्टर के लिए करना चाह रहा हूँ अपने बहन भाइयों के द पी साइड, उसको मैं इस हद तक ऊपर ले जाऊँ, आप उसको क्या कहें कि क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए कि जो कॉमन एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टाइल होता है हमारा डोनेट करने का, उससे इतना ऊपर ले जाऊँ कि मुझे बाकायदा तकलीफ हो। तकलीफ मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ कि वो मुझे हिट करेगी, यार मैं सोचूं कि यार मैं इतने ज़्यादा कर रहा हूँ पैसे, मुझे मैं आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फूड एंड शेल्टर फॉर माय प्री ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैंने कहा यार नहीं इस लेवल पे करूँगा ना, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा था इफ़ आई गो मा खुद जाता हूँ जाके उनकी ऑन ग्राउंड हेल्प करता हूँ उसकी एक तकलीफ है, फिर कौन सी एक ऑल्टरनेट तकलीफ हो सकती है, तो फिर मैंने कहा फूड एंड शेल्टर के लिए जितनी मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ मैं करूँ, और एक स्टैंडर्ड से इतनी ज़्यादा अबव आई विल नॉट से एनीथिंग। अगर हर बंदे को अपना पता होता है कि एक नॉर्मल लेवल पे आप किस तरह चैरिटी कर सकते हैं, और उसके बाद चैरिटी को इस लेवल पे आप ले जाएं कि बाकायदा आपको हिट पड़े कि आपके अपने प्लान्स जो है ना जिन पैसों से आपने कुछ करना था उसको फॉरगो करो, यही एक वाहिद रास्ता मुझे नज़र आया जिसके बाद मुझे लगता है कि मैं रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के साथ सामने खड़ा होकर कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन ज़रूर दे सकूंगा कि अल्लाह मैंने इस चीज़ को सेक्रीफाइस करके ही और बाकायदा काटा वो हिस्सा अपने अंदर से अपनी इनकम में से, और उसके बाद मैंने यूँ किया। आई एम नॉट शोइंग ऑफ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ओनली थिंग वी कैन डू वट आई कैन डू राइट नाउ। अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है कि आपका जो डोनेशन का फॉर फूड एंड शेल्टर फॉर द पी ब्रदर सिस्टर्स अगर आपका एक लेवल है, एक मेंटेन कर सकते हैं आप उस चीज़ को रेगुलर, इट डजेंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर लाइफ, उससे इतना ऊपर चले जाएं कि आप उसके बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग टू सम एक्सटेंट, चलो ठीक है आप रोटी भी खा रहे हो ना, आप सुकून से एसी में बैठे हो, कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, गहरी नींद सो रहे हो। आई वॉज टॉकिंग टू माई वाइफ लास्ट नाइट कि यार हम लोग इस तरह सुकून से सो रहे हैं और ऊपर से धमाका हो रहा है और ये हो रहा है, जस्ट इमेजिन द फियर्स ऑफ आर किड्स, हमारे ही बच्चे हैं यार, वो किसी के नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे माँ बाप हैं जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है कि इससे ट्रस्ट मी इस लेवल का अपने आप की कंट्रीब्यूशन करें फाइनेंशियली कि आपको बाकायदा हिट पड़े, यू गेटिंग माई पॉइंट, हिट पड़े कि यार नहीं मैंने तो इसका ये मोबाइल खरीदना था, मैंने तो इसकी ये चीज़ खरीदनी थी, गो फॉर दैट, दिस इज गोइंग टू हेल्प। दूसरी, हमेशा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुआ करते थे तो नमाज से
और सब्र से काम लेते थे। मैं ही अपने लिए बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं उनका उनके जूते में उतर के उनकी पेन भी नहीं मैं फील कर सकता। अपने बहन भाइयों के बच्चों की, कोई किसी के बच्चे मरे हैं, किसी के माँ बाप उनकी आंखों के सामने ख़त्म हो गए। मेरा है प्रॉब्लम, आई कुडंट सी लॉट ऑफ स्टफ, इस तरह की चीज़ नहीं देख सकता, तो फिर ना मेरा दिल ख़राब होता है, तो फिर मेरा दिल ख़राब होता है तो मेरा अकल का खाना बंद हो जाता है कि यार मैं क्या बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो मैंने उसको किया और मैंने इतना इतना किया कि मुझे उसने हिट किया, मेरे रेगुलर प्लान्स को, मेरे फ्यूचर प्लान्स को हिट किया, लेकिन मैं इससे और भी ज़्यादा करूँगा ताकि इस सब ने इधर रह जाना है। ये जो कनेक्शन हमारा अल्लाह, क्योंकि इन्हीं यार, जस्ट इमेजिन कि हमारे ये बहन भाई सामने खड़े होके हमें उस दिन कहेंगे रोज़े क़यामत, कहना मियाँ ये ही वॉज़ वॉचिंग मी, इसने किसी भी तरीके से मुझे नहीं हेल्प किया, एक ये चीज़। या फिर वो कहेंगे कि आप मुश्किल में हो उस वक्त, हिसाब किताब का पड़ रहा, ऊपर नीचे हो रहा, परेशान हो, और एक ग्रो आता है अल्लाह मियाँ उधर आपके सामने आके गवाही देता है कि अल्लाह मेक इट बेस्ट रिजल्ट्स फॉर दिस गाय, क्योंकि इसने कोशिश की थी टू दैट एक्सटेंट, और ये हम इस चीज़ की गवाही देते हैं। सो इस चीज़ के अंदर आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल आवाज़, ये मैं अब बात कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, ये भी एक आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन मैं असल में ना वो आई डोंट फील कम्फर्टेबल सेइंग दोज थिंग्स के यार ओ भाई फिल्मी बात कर रहे हैं, अजीब सी तस्वीरें लगा रहे हैं, कोई फैंटेसाइज कर रहे हैं चीज़ को, आए मुझ पे ना असर होता है उन तस्वीरों का, उन वीडियोज़ का पीछे म्यूज़िक चल रहा है और सैड सी चीज़ें, पता है यार ये कुछ ड्रामा चल रहा है, क्या हो गया, खुदा का खौफ करो यार। अपने स्टेटसेस हमने इस चीज़ से भरने शुरू, हम आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन उसका एंड रिजल्ट अगर कुछ ना कुछ नहीं है ना, उस आवाज़ का फ़ायदा कोई नहीं है। आवाज़ तो कुछ भी, आवाज़ उठानी चाहिए। एक कैटेगरी वो भी है जो शायद आवाज़ नहीं उठा रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो आवाज़ नहीं उठा रहे। किसका दिल नहीं दुखा हुआ यार, किसका दिल नहीं दुखा। मुझे आप एक, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यार अभी हम पी की बात कर रहे हैं कि दे आर सफरिंग हैविली, ख़त्म हुआ हुआ उनका सब कुछ, आई ने सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ, लेकिन व्हाट अबाउट पीपल फ्रॉम कश्मीर, उनकी कहानी कहाँ पहुँची है? वो तो ऐसे लग रहा है कि सब सही हो गया। नहीं यार, कश्मीरी बहन भाई हमारे उसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं आज तक, उसी वो नाम और निशान उनका जैसे ख़त्म हो गया। मुझे तो लगता है वो उन्होंने ख़त्म नहीं कर लिया, देखे ना मुझे पता नहीं है ना उस चीज़ का कि वे वी आर स्टैंडिंग। इसी तरह ये बीस के साथ भी होगा कि भाई ठीक है, हमारे जो बहन भाई हैं वो अल्लाह अकबर यार वो बहुत तकलीफ में हैं वो लोग। दूसरी बात मैं ये चीज़ करना चाह रहा था कि आप अंदाज़ा करें, दिस इज़ द बिगेस्ट स्लैप ऑफ हिस्ट्री ऑन द फेस ऑफ मुस्लिम्स, कि हम पता नहीं किन फिरकों में पड़े हुए हैं, हम पता नहीं किन किन चीज़ों के अंदर पड़े हुए हैं कि वी आर सो बैकवर्ड इन टेक्नोलॉजी, कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मोबाइल है, ये जो कैमरा है, ये जो माइक्रोफोन है, ये जो लाइट है, एवरीथिंग, इसमें से कुछ भी हमने नहीं बनाया, कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं हमारा, ये इस पर बात होनी चाहिए इतने ज़्यादा चाहिए। क्योंकि आज मुझे आई और पी बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी, ताकि मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, नहीं भी पहुँचती तो अल्लाह के सामने एक अल्लाह का खौफ है ना मुझे, जो मुझे घबराहट हो रही है कि तूने बात क्यों नहीं की, तुझे एटलीस्ट तो तू बात करता ना, उसको ज़बान से तो बुरा जानता ना, तो उसकी वजह से मैं ये काम कर रहा। और ये है मसला, ये वीडियो बनाने के पॉइंट ये है कि ये है कॉमन मेरे फैमिली फ्रेंड सर्कल्स के अंदर, पीपल आर लाइक इमोशनली डैमेज्ड एंड दे आर सेइंग के यार हम कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत मेरे बहन भाई हैं जिनको मेरी बात से इतफाक होगा, बहुत सों को मुझसे अग्री नहीं भी करेंगे वो इस चीज़ को, लेकिन मैंने वो, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई काम निकलता है इसमें से, आपको कुछ समझ आती है कि यार इस तरीके से, जिस तरह ये बंगा बात कर रहे हैं ना, इस तरीके से अगर आप हैंडल कर सकें तो दैट्स फाइन। तो बस ठीक है, इसको देखो हमारे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हमारे अब कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, आज इंटरनेट बंद हो जाए, बैंकिंग बंद हो जाए, लाइट चली गई, किसी बहरहाल यार अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि मेरे बहन भाइयों को क्या फील होता होगा इस टाइप पे। और मैंने एकदम रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि
यू सी कितना अंधेरा हो गया, सन्नाटा है लाइफ में इस वक्त। अल्लाह ने कैसे समझाने के लिए यार ये चीज़ की है। आई होप यू गेट यू नो दिस इज नॉट अ मेकअप और समथिंग। ये एकदम मतलब दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ्स, कंप्लीट डार्कनेस। सो बहरहाल यार हमें अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करना चाहिए, हमें अपने चीज़ों पे इस लेवल पे अपने आप को कंट्रीब्यूशंस को फूड एंड शेल्टर के लिए पुश करना चाहिए कि आपको बाकायदा आपके प्लान्स के अंदर हिट आए। इफ इट्स नॉट देयर देयर इज नो पॉइंट एट ऑल। सो मैं देखता हूँ इफ आई कैन ऐड लाइट समवेयर। कहाँ से लाइट ऐड करूँ यहाँ से? लाइट ही तो ऐड करने की कोशिश करें, जस्ट बेयर विद मी। मेरे पास तो फैसिलिटी है यार इसकी, जूपीएस लगा लिया मैंने 2 मिनट के लिए, इट वर्क्ड। लेकिन यार इमेजिन करें आपके कितना इस वक्त अंधेरा उनकी ज़िंदगी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। यार अल्लाह हम बहुत बहुत मतलब योर फेलियर्स, कंप्लीट फेलियर्स एज अ मुस्लिम उम्मा, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत पाक है। मैं ये देखता हूँ ना कि जंगे बदर का जो वाकया हमारे सामने हुआ था उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुबारक ज़ात वहाँ मौजूद थी, एंड ही वाज फाइटिंग हिमसेल्फ। ओहद का वाकया जो है, ओहद पहाड़ का, उसके अंदर भी बड़ा नुकसान हुआ था क्योंकि अल्लाह की मदद थी और फिर वो उठ गई थी डिसओबीडियंस की वजह से, कि जब नबी वसल्लम ने हुक्म किया था अल्लाह के ऑर्डर्स के बिहाफ पे कि जी आपने वो जगह नहीं छोड़ी, जब जगह छोड़ी तो वी फेल्ट वी हैव सीन द रिजल्ट्स ऑफ दैट थिंग। तो मैटर तो करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, और अल्लाह के लिए तो एक मसला ही कोई नहीं है, आई को एक सेकंड के अंदर फुड़का सकते हैं। लेकिन अल्लाह देख रहा है कि ये जितनी तकलीफें मेरे बंदों को पहुँच रही हैं, बाकी मेरे बंदे जो पार्टी कर रहे हैं वो जो रिलैक्स हैं, उन्होंने भी तो जवाब देना है ना, कि बस अपनी कंट्रीब्यूशंस को उस लेवल तक फूड एंड शेल्टर के लिए इंक्रीज़ करें कि वो बाकायदा आपके फ्यूचर प्लान्स पे इफेक्ट होना शुरू हो जाए। उसका यकीन करें आप कि ये सब इधर ही रहना है। और आपको जो जो लोग जिनको तकलीफ हो रही है ना, जो 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 पीपल दोज हु आर पेनिंग फीलिंग द पेन्स, आप यकीन करेंगे आपको कुछ थोड़ी सी आपकी शर्मिंदगी कम होगी। ठीक है, एक तो ये है, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद मी राइट नाउ। अगर कोई बंदा आज के दौर में कोशिश कर रहा है कोई ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म यूट्यूब या इस टाइप की चीज़ के लिए, कोई बैंकिंग सिस्टम के लिए, कोई कुछ भी, उसको एग्रेसिवली ज्वाइन करें और सपोर्ट करें उस आइडियोलॉजी को भी, हमारा एक सेपरेट लेवल पे होना चाहिए। और प्रोडक्ट यूजेज पे डिफरेंट थाट्स हैं, उनको आप उनके ऑल्टरनेट्स ढूंढें, जो कि आप आई के प्रोडक्ट्स, सारे धोनी के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि दे आर बिजनेस पर्सन, दे हैव बिजनेस ब्रेन्स। तो हमें उस पर भी शर्म करनी चाहिए कि हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए, आप लोकल चीज़ों को ज़्यादा करें। नहीं है उस क्वालिटी की, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ है ना, वो तकलीफ वाली बात है ना, कि अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ में डालें। सो लाइफ पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें अभी जैसे फजर, देखिए ना, हमसे फजर पे उठने में तकलीफ़ है और उसका बहुत बड़ा सवाब है जब आप वो प्रोसेस कर जाते हैं, उस पर भी मैं किसी दिन बात करूँगा। लेकिन क्विकली मैंने अपने आप को ना एज अ पेनल्टी इंट्रोड्यूस किया, वैसे अभी इट्स वर्किंग फॉर, क्योंकि जिस दिन मेरी फजर मिस होगी, मेरे पास पैसे हैं ज़्यादा हैं काम में जो भी, मैंने 1000 रुपये अल्लाह की राह के अंदर खर्च करना ही करना है। और वो उसको मैं पेनल्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो हम करते रहते हैं, लेकिन इफ़ यू टेक इट एज अ पेनल्टी तो फिर आप पा के उठते हैं, नहीं 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 1000 रुपये बचाओ, मतलब डोनेशन नहीं है, दिस इज़ अ पेनल्टी। डोनेशन में तो आपको नहीं है, अल्लाह की राह में खर्च करना है। नहीं नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ कि उसको आप बाकायदा अपने आप को आप उस चीज़ को तकलीफ दें, फिर आप उस जगह पे जाएंगे। और नमाज में, दुआओं में हमेशा अपने कश्मीर के बहन भाइयों को याद रखें, पी के बहन भाइयों को याद रखें, और बस यार वी नीड टू वर्क हार्डर टू फिक्स दैट एरिया। 40 साल 41 साल उम्र होने वाली है मेरी, बट एनी डे आई विल डाई
एंड व्हाट आई हैव इन माय हैंड्स व्हाट आई हैव इन माय नामाय माल टू शो टू अल्लाह सुभाना ताला दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन इससे भी लंबी होनी चाहिए वीडियो यार, बात करने में क्या हर्ज है, दिल की भड़ास निकालनी चाहिए और उसके हल निकालने चाहिए। सुभानअल्लाह, अल्लाह मगरिब की अजानें हो रही हैं, अल्लाह ताला हम सबको मौका दे, हम सबको वो अल्लाह ने तो दिया हुआ मौका, हमें अकल आ जाए इस चीज़ की कि हम उस दिए हुए मौके को इस्तेमाल करें एंड वी सॉर्ट दिस थिंग आउट। ठीक है, आप दुआ भी आपने लाजमी साथ में रखनी है, आप लोग अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें और इन सब बहन भाइयों को याद रखें दुआओं में भी और फिज़िकली भी, जहाँ जहाँ से आप इनको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, मेक अ पार्ट ऑफ इट, ट्रस्ट मी रोज़े क़यामत आपको ये इतना मल्टीप्लाइड बाय मिलेगा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं जितना ज़्यादा इस चीज़ में जा रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरा उधार रख ही नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ से कैसे क्यों मुझे कॉम्पेंसेट किया जा रहा है इन चीज़ों पे, लेकिन वो रब है मेरा, वो मतलब वो आई लव अल्लाह सुभानहु ताला सो मच के बाकायदा आई फील द कनेक्शन ऑन दैट पार्ट के ही सेइंग के यार तू मेरे बंदों के लिए कर रहा है ना, वो मुझे फिर भी वो तकलीफ़ नहीं दे रहा जिससे मैं गुजरना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, वो कहीं ना कहीं से कॉम्पेंसेट किया जा रहा है। आई वॉन्ट टू मेक दैट कॉम्पेंसेशन बैक, मतलब आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रहा हूँ अपने जज्बात के नहीं, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। और अलखिदमत फाउंडेशन के साथ और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि ग्राउंड पे जो लोग वहाँ पी में हैं और जी के अंदर जो एरिया है उसमें है, दे आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड इन दैट पार्ट, तो दैट्स ओके, लाइक उनके पार्टनर्स वहाँ हैं और ये चीज़ सॉर्ट आउट होनी चाहिए, अदरवाइज इसके इम्पैक्ट बहुत खौफनाक होंगे। तो बहरहाल अब जान हो रही है, आई नीड टू क्लोज इट ऑफ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।